हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल हेल्थी एंड विकास 24 में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बेलफोर्स स्टे लॉन्ग जेल के बारे में। इसका क्या यूज होता है बेसिकली, और इसमें क्या क्या होता है, इसके डोज क्या हैं, साइड इफेक्ट क्या है, और इसके प्राइस क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरा चैनल हेल्थी एंड विकास 24। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेलफोर्स स्टे लॉन्ग जेल होता है, इसका बेसिकली यूज पहले जान लेते हैं इसमें होता है क्या। तो इसमें होता है फ्रेंड्स लिडोकैन एंड प्रिलोकैन जेल। तो लिडोकैन और प्रिलोकैन क्या होता है फ्रेंड्स, एक लोकल एनेस्थेसिया होता है। बेसिकली किसी पार्ट को बॉडी के सुन्न करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये लोकल एनेस्थेसिया मतलब एनेस्थेसिया टू टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स, एक जनरल एनेस्थेसिया और एक लोकल एनेस्थेसिया। तो लोकल एनेस्थेसिया तो वो होते हैं फ्रेंड्स जहाँ पर एक कोई पर्टिकुलर एरिया होता है उसको सुन्न करने के लिए किया जाता है यूज, और जनरल एनेस्थेसिया वो होते हैं बड़ी सर्जरी टाइप में। जनरल एनेस्थेसिया मान सकते हैं जैसे कि प्रेगनेंसी डिलीवरी वगैरह होती है, उस टाइम पर जो सर्जरी होती है तो उस टाइम पर जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है, वो भी रीड से दिया जाता है। और टॉपिकल वाला क्या होता है, जो लोकल है, जैसे कि ये लिडोकैन और प्रिलोकैन मतलब इनका यूज़ होता है जैसे कि कोई बाहरी क्षेत्र पर, जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया को सुन्न करने के लिए। कभी कभी इसका यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स जैसे कि सिरिंज वगैरह, जैसे बहुत ज़्यादा किसी को डर लगता है इंजेक्शन से तो वो लोग सिरिंज लगवाने से डरते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस एरिया को पर्टिकुलर एरिया को सुन्न करके उस टाइम पर सिरिंज लगाते हैं जिससे कि दर्द नहीं होता वहाँ, उस जगह का वो सेंसेशन टाइप्स का होता है वो बंद हो जाता है फ्रेंड्स। तो एक तो ये यूज़ होता है, और फ्रेंड दूसरा यूज़ होता है कि कभी कभी इसका एक लेज़र मतलब एक बोल सकते हैं हम जो मतलब लेज़र कोई ऑपरेशन वगैरह होता है, जैसे कि लेज़र हेयर ग्राफ्टिंग वगैरह की जाती है मतलब सर की। तो क्या होता है कि हेयर ग्राफ्टिंग क्या होता है, छोटी छोटी सुइयाँ होती हैं, इंजेक्ट किया जाता है बालों में तो उस टाइम पर दर्द ना हो, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है लिडोकैन का। तो उस टाइम पर भी मतलब एक पर्टिकुलर एरिया होता है जो सर होता है उस पर लगाया जाता है, उसके बाद जो लेजरिंग की जाती है मतलब सुई से क्राफ्टिंग की जाती है, तो उस टाइम पर जो निडल लगती है उससे दर्द ना हो उससे बचने के लिए इसका यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। और इसका यूज़ और है फ्रेंड्स, जैसे कि जननांगों को मतलब जो सेक्सुअल पार्ट है मेंस के, तो उस सेक्सुअल पार्ट को जो पेनिस होता है, पेनिस होता है उसकी मतलब टॉप लेयर मतलब सबसे पहले टॉप पार्ट पर इसको यूज़ किया जाता है, लगाया जाता है। इससे क्या होता है कि मनुष्य मतलब जो सेक्सुअल टाइमिंग होती है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, मतलब उस जो पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है तो वहाँ पर सेंसेशन ख़त्म हो जाता है। तो क्या होता है जो स्टे लॉन्ग मतलब ज़्यादा देर तक मनुष्य मतलब सेक्सुअल जो सेक्स करते हैं तो उस टाइम पर जो स्टे लॉन्ग मतलब थोड़ी लंबे टाइम तक टिक सकते हैं इसका यूज़ करने के बाद। तो इसका जो बेसिकली यूज ये होता है एक तो जो अब मैं बताता हूँ इसका एक और यूज होता है फ्रेंड्स इसका और यूज होता है जैसे लेजर मतलब सर्जरी वगैरह होती है जो कहीं पर्टिकुलर एरिया पे कोई में जैसे फोड़ा फुलसी वगैरह हो गया उस टाइम पर, उस छोटे से एरिया को मतलब पर्टिकुलर एरिया को मतलब चारों तरफ से रिंग करके उसको सुन किया जाता है, जिससे कि जो इसमें मतलब जो बोन्स वगैरह हैं उसके जो मतलब घाव है उसको ठीक करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक करने के लिए नहीं बल्कि इसको उस एरिया को सुन करके उसमें ड्रेसिंग वगैरह अच्छे से हो जाए, पट्टी वगैरह अच्छे से हो जाए, उसके लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो इसके यूज हो गए लिडोकैन, और बेसिकली इसका यूज होता है बेलफोर्स मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि मतलब सेक्सुअल जो मनुष्य मतलब सेक्सुअल होते हैं उनको स्टे लॉन्ग मतलब टाइमिंग इम्प्रूव करने के लिए इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, बेसिकली मैन के लिए होता है मतलब आदमी के लिए। तो अब बात करते हैं इसके डोजेस फॉर्म के बारे में, इसे अप्लाई किया जाए कैसे कर दिया जाता है और किस हिसाब से दिया जाता है। तो फ्रेंड्स जब भी किसी एरिया पर से पर्टिकुलर एरिया पर लगाना हो तो उससे उसे 20 मिनट पहले अप्लाई करना होता है, उसके बाद ही आप चाहे आप पर्टिकुलर सर्जरी कर रहे हैं छोटी सी या फिर आप सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल के लिए जा रहे हैं तो उस टाइम पर भी आप 20 मिनट पहले इसका यूज़ करना है, उसके बाद आप जा सकते हैं। 20 मिनट बाद इसका असर चालू हो जाता है और वो एरिया बिल्कुल पूरी तरह से सुन्न हो जाता है फ्रेंड। तो इसके ये तो डोसेज हो गए मतलब अप्लाई करने के नियम, और इसके एक बार साइड इफेक्ट की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है कभी कभी साइड इफेक्ट में इसे लगाने के बाद वो पर्टिकुलर एरिया काफ़ी टाइम के लिए भी ज़्यादा टाइम के लिए भी सुन्न हो सकता है, और कभी कभी हो सकता है कि लगाने पर जैसे कि स्किन पर लगाने के बाद कभी कभी ईचिंग वगैरह भी हो सकती है, ईचिंग जलन वगैरह ऐसी कुछ अगर समस्या लगे तो प्लीज़ उसमें डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, बिना डॉक्टर संपर्क के कोई भी मेडिसिन ना लें फ्रेंड। आई हम रिक्वेस्ट ऑल फ्रेंड्स के लिए
और मैनफोर्ड स्टेलॉन्ग जेल है, इसको भी एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, अपने आप कोई भी इसे ना ले फ्रेंड्स, आई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू। तो ये तो इसके साइड इफेक्ट हो गए, बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो फ्रेंड्स इसका जो प्राइस है वो 100 रुपीज़, मतलब 100 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाए, क्योंकि जो मैनफोर्स है वो काफ़ी फेमस और फेमस ब्रांड है। तो फ्रेंड्स ये तो इसके प्राइस थे 100 रुपीज़, किसी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा रिव्यू था मैनफोर्स स्टेलॉन्ग जेल के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मुझे मेरे चैनल हेल्थ एंड कैस्ट 24 पर आप संपर्क मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई आई डियर फ्रेंड्स।